राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि महिला कोरोना संक्रमित है। कुछ दिनों से उनका उपचार राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल पारस के आईसीयू में चल रहा था। सोमवार की सुबह जब पीड़िता की पुत्री अस्पताल पहुंची, तब पीड़िता ने इशारों में बताया कि उसके साथ रविवार की रात गलत हुआ है। बताया कि रात में बेटी के घर जाने के बाद आईसीयू में 3-4 लोग घुस गए। पीड़िता की पुत्री ने मां का बयान लेने के समय वीडियो भी बनाया। वायरल वीडियो में पीड़िता इशारों में आप बीती बता रही है। घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन और भर्ती मरीजों के स्वजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन भी मामले को वहीं मैनेज करने में जुट गया और आंतरिक जांच शुरू कर दी। किसी ने घटना की सूचना पुलिस महकमे के सीनियर अफसर को दे दी। इसके बाद महिला दरोगा के साथ संबंधित थाने की पुलिस एक टीम गठित कर आरोपों के जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। पीड़ित परिवार अस्पताल में ही मौजूद है और पुलिस उनके संपर्क में है। आईसीयू के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे, आईसीयू में रात में किसकी ड्यूटी थी, अटेंडेंट पास किसे जारी हुआ था, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वह अस्पताल के कर्मी हैं या अन्य, इन सभी का ख्याल रखते हुए पीड़ित के स्वजन से भी पूछताछ की जा रही है।